चलिए, इस सेशन में अब हम डिस्कस करने वाले हैं सर्वलेट के बिल्कुल लास्ट टॉपिक की, क्योंकि लिसनर टॉपिक अगर हमारा हो गया तो इसके बाद का जो टॉपिक है वो है हमारा फिल्टर। अच्छा, फिल्टर पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों के लिए वो टास्क देना चाहता हूँ जो आप कह रहे हो कि ऐसा नहीं ऐसे हो जाए कि भाई अगर आप इस पर्टिकुलर ब्राउजर से जाना चाहो तो ये लॉगिन ना कर पाओ, तो वो आप काम करना। और जो भी आप क्वेश्चंस मेरे से पूछना होगा ना, मैं तो कह रहा हूँ कि आप काम करके लाओ, मुझे दिखाओ कि सर मैंने इतना काम कर लिया, ये क्या मैंने सही किया या गलत किया है या किया ही नहीं है। तो जब आप उसे काम करोगे, कोई भी काम करके सर, लाओगे, तो जरूर आप मेरे से पूछे एक बार दो बार। हाँ, क्या कह रहे हो? आपने बच्चों को बताएंगे सर, एक एक शेप बनाएंगे, मतलब सर्वलेट पेज में, मतलब एक एक फोटो का साइज बनाएंगे, उसका नाम लिखेंगे, वो मल्टीपल साइज सेम सेम बना देता है, मल्टीपल साइज, ऐसे कि फ्लिपकार्ट में होता है ना सर, बॉक्स बॉक्स बॉक्स, अच्छा, मल्टीपल वो बॉक्स। बोल रहा था डायनेमिकली डेटाबेस से डेटा लेके आने के लिए, वो कह रहे थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ वो बॉक्स मैं बॉक्स। बताऊंगा आपको। वो तो किया है इसने, क्या नाम है, कुलदीप ने किया होगा, सुमित ने किया था, किया है ना सुमित? अरे, डेटाबेस से प्रोडक्ट लाने के लिए, प्रोडक्ट लाने वाला कोड किया है कि नहीं किया है? हाँ सर, क्या है वो सर, नहीं करा किया है है। सर। करा है। कौन दिखा सकता है अभी, दिखा दो जरा, दिखाओ दिखाओ, फटाफट दिखाओ। एडमिन पैनल में ये बोल रहा था। कौन दिखा रहा है, सुमित दिखा रहा है, कुलदीप दिखा रहा है? फिर मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, वेरी गुड, एडमिन पैनल वाली बात कर रहा है ये। स्क्रीन मिनिमाइज कर दो। एडमिन हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड, पैनल। हेलो सर, ये बना रहा है प्रोडक्ट ऐड करने। प्रोडक्ट ऐड करने के, ठीक है। इसको मैं और सही करवाऊंगा, बढ़िया करवाऊंगा इसको। इसमें सर लॉग इन करने पे ऑल प्रोडक्ट भी दिख जाएंगे ये जो बता रहे हो, ये देखो, ये वाला कह रहा था। दो ही प्रोडक्ट हैं क्या तुम्हारे पे? मेरे। हाँ, चार पांच, तीन चार है बस, यही तो तो इमेज चाहिए। हाँ ये यार इतना बड़ा क्यों किए, उसको छोटा करो ना। सर, वो मैंने टेबल इतनी बना दी, फिर मैंने करा नहीं मैंने। तो ये तुम्हारा डेटाबेस से डायनेमिकली उठ के आ रहा है, हाँ सर, सर्वलेट पे आ रहा है डेट तो ये पैक तुमने से। जैसे टी शर्ट बनाया है और नीचे एक जीन्स बनाया है, ये दोनों के लिए अलग अलग बनाया है डब्बा, या हाँ एक ही डब्बे में दोनों कॉल कराया है? सर, ये एक ही टेबल है, उसमें ये बार बार प्रिंट होके आ रही है टेबल में। दिखा दो वही चीज वो कह रहा है, दिखा दो ये चीज, कोड दिखा दो। आप पढ़ा दीजिएगा ना थोड़ा सर, क्लियर हो जाएगा अच्छे से। दिस इज माय मतलब सम परवेज, हमारे ऊपर डिपेंडेंसी प्रोडक्ट इतनी ना रखा करो कि सर आप बना देंगे तभी समझ में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। काम करने के ऊपर होता सर। है, काम करोगे तो सब समझ में आता है, नहीं करोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। इसमें कुछ भी नहीं करना है। ये देखो, ये सर ये देखो, क्लास है प्रोडक्ट ये देखो, ध्यान से देखो, वन। ये सेलेक्ट सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम टेबल नेम चला, टेबल नेम से प्रोडक्ट, कोई हमारे पास टेबल है जिस टेबल से हमने डेटा फेच किया, डेटा फेच करके मैं इन्होंने, चलो इतना थोड़ी ना मुझे समझाना, ये सब तो जानते ही होंगे। बस ये तुमने क्या कर लिया, वाइल लूप चला लिया, ठीक है ना, वाइल लूप चलाया, वाइल आर एस डॉट नेक्स्ट करके चलाया, ठीक है ना। और
आर एच डॉट नेक्स्ट यानी कि वाइल लूप में ही इन्होंने पूरा जो है टेबल यानी कि लूप के अंदर ही पूरा टेबल डाल दिया। देख रहे हो ये वाइल लूप दिख रहा है, ये इसी वाइल लूप में उठा के डाल दिया, बस सारे प्रोडक्ट दिख जा रहे हैं। एक बात बताओ मुझे परवेज, तुम्हारे एक डेटाबेस में 400 प्रोडक्ट हैं, कितने प्रोडक्ट हैं 400। तुमने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम चलाया, वाइल लूप चलाया, तो सारे डेटाबेस से सारे डेटा दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, पहले ये मुझे बताओ बात। देखिएगा। दिखेगा ना, तो अगर मैं एक वाइल लूप के अंदर एक डब्बा बना के डाल दूं और वाइल लूप 400 बार चलेगा तो डब्बा 400 बार नहीं दिख जाएगा। तो बस वही तो काम किया है इसने, इसने एक वाइल लूप चलाया है। इसका तो वर्टिकल मिनिमाइज करो भाई, आ रहा है डब्बा, हाँ डब्बा टू वर्टिकल आ रहा है, हमको हॉरिजॉन्टली करा रखा है वो तो भाई आपकी तुमने मर्जी, कोई जैसा आप तुमने चाहो। कोई वो तुम्हें कोई मना किया है वो क्या कि वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल, जैसे चाहते हो वैसे आ जाएगा, उसमें क्या है। आइडिया पता नहीं मेरे को, तो फर्स्ट बता टाइम मैं बना तो रही हूँ। आइडिया तो आपको दिया जा रहा है ना, जब समझने की कोशिश करोगे तब तो होगा, जब काम करोगे तो होगा ना। आइडिया तो आपको दिया जा रहा है ना, आप पहले इतना तो काम करो, आप हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल पहले प्रिंट कराओ, तो हॉरिजॉन्टल भी तो हो ही जाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैं कह रहा हूं कि मैं अगर वर्टिकल काम कर लूंगा तो उसको हॉरिजॉन्टल नहीं ले आ पाऊंगा मैं। तुम क्वेरी करते हो फालतू के, है ना, तुम मतलब मैं तो कहना नहीं चाहिए लेकिन तुम वो जैसे ना फालतू की क्वेरीज है कि नहीं मुझे अब मैं वर्टिकल बता दे रहा हूँ तो मुझे हॉरिजॉन्टल लाना है जी, मुझे ऐसे करना है जी, है ना। सब लोग सुन रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, इवन मैं इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। ठीक है सर, मैं ट्राई करूंगा सर, एक बार नहीं होगा तो पूछूंगा आपसे। नहीं समझे नहीं तुम, मैं तुम्हें समझा दूंगा, मैं तुम्हें बता दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम जब कोई काम करोगे चाहे वर्टिकल करो चाहे हॉरिजॉन्टल करो, जब एक काम एक बार समझ गए तो उसको किसी भी तरह से आदमी कर सकता है यार, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ परवेज भाई। भाई मैंने एक वाइल लूप चला दिया, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम अपना टेबल दिखाना जरा। सर ये है सर टेबल जो उसमें नहीं डेटाबेस में जो टेबल पड़ा हुआ है। डेटाबेस में मतलब डेटाबेस में तुम्हारे खोलना पास डेटा पड़ा हुआ है, इमेज पड़ा है और डिटेल्स पड़ी हुई है, ये सब डिटेल पड़ी हुई है ना। सर, डेटाबेस में सिर्फ इमेज का यूआरएल है। इमेज का यूआरएल है और प्रोडक्ट का नाम वाम नहीं है, प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट प्राइस वाइज नहीं है, हाँ सर वो सब है। तो वही मैं बात कर रहा हूँ, वो दिखा दो। डेटाबेसेस होगा, अच्छा यूज करना है। अरे सेलेक्ट तो कर लो पहले, यूज डेटाबेस तो कर लो, क्या करके मानोगे। सर, कर लिया अभी, सर कर लिया अभी, क्या था आ गई। तो मैं नेट देखे थोड़ा पढ़ा तो उसमें कुछ छूटा होगा कोई आइडिया मेरे। सर दिख रही है? हाँ दिख रही है, प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट प्राइस प्रोजेक्ट का यूआरएल तुमने डेटाबेस में यूआरएल तुमने स्टोर कराया हुआ है। और मैं बता रहा हूँ जब मैं आपको थोड़ा सा आगे मैं प्रोजेक्ट बनाना सिखाऊंगा तो उसमें ये सारा चीज आपको लगा के बताऊंगा कि ये कैसे कैसे करेंगे, ये कैसे कैसे करेंगे जी,
ये सर्वलेट की पढ़ाई का पार्ट नहीं है, ये प्रोजेक्ट का पार्ट है एक तरह से। ये सब तो मैंने काम दिया था, मैंने आप लोगों को काम दिया था, आपको काम दिया था तो आपने कर ही लिया है। चलो ठीक है, ये हमारा टी शर्ट हो गया, ये प्रोडक्ट का प्राइस हो गया, प्रोडक्ट का इमेज हो गया और प्रोडक्ट का डिटेल हो गया। ध्यान से देखो परवेश, तुम्हें ही बताया जा रहा है, तुमने डेटाबेस में बहुत सारा डिटेल ओके ऐसे स्टोर करके रखा हुआ है, और तुम्हारे लिए चलाई गई सेलेक्ट क्वेरी। सेलेक्ट क्वेरी चलेगी, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट आएगा, एग्जीक्यूट क्वेरी चलेगी और आर एस डॉट नेक्स्ट चलेगा। आर एस डॉट नेक्स्ट, आर एस डॉट नेक्स्ट, आर एस डॉट नेक्स्ट, कोड दिखाओ, आप कोड दिखाओ। ये जो आर एस डॉट नेक्स्ट चल रहा है कोड, ये वाला कोड आर एस डॉट नेक्स्ट वाला, यहाँ पे आर एस डॉट नेक्स्ट जो तुमने लिखा है वाइल लूप के अंदर, इसमें एसओपी में अगर मैं प्रोडक्ट नेम लिख दूँ, प्रोडक्ट प्राइस लिख दूँ, प्रोडक्ट का यूआरएल लिख दूँ वगैरह वगैरह सब लिख दूँ, अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ और वाइल लूप में डाल देता हूँ, तो मेरे पास सारे डिटेल आ जाएंगे या केवल एक डिटेल आएगा? परवेज, सारे डिटेल आ जाएंगे या एक डिटेल आएगा? सारा सारा आ जाएगा ना। जाएगा ठीक है, मिनिमाइज कर लो, आ गया ना। अच्छा, अब अगर मैं एक जीवाई का कोड लिख दूं, इमेजिन करो एक जीवाई के बनाने का कोड लिख दूं, एक डब्बा बनाने का कोड लिख दूं इस वाइल लूप में, तो और वाइल लूप में डब्बा बनाने का कोड डाल दूं और मेरे पास प्रोडक्ट पड़े हुए 400 डेटाबेस में, तो डब्बे कितने बनेंगे? 600 600? बनाना नहीं, एक डब्बे बनाऊंगा, एक डब्बे बना दूंगा। और जैसे सिंपल सा मतलब है, ये वाइल लूप जो लिखा हुआ है ना, इसी वाइल लूप में इन्होंने पीडब्ल्यू डॉट प्रिंट एलन के अंदर ये देखो पूरा कोड लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है? तो ये एक डब्बे को बनाने का कोड लिखा हुआ है पूरा, और चूंकि ये लूप में डाला हुआ है तो ये अपने आप रिपीट होता चला जा रहा है और डेटा आता चला जा रहा है उसके अंदर। यही छोटा सा चीज है जो समझाना था मुझे। समझ में आ रहा है अमन? अमित, निशांत, तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ सर, समझ गए। ये काम किया था तुमने? हाँ सर, इसमें किया बट दूसरे प्रोजेक्ट बना था। अमित, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है? सर ये डिब्बा कैसे बनाया सर? ये मतलब ये टेबल जो बनाई है ये कैसे बनी टेबल कैसे है? बनी है? आप एचटीएमएल बनाई है सर ये? बिल्कुल एचटीएमएल बनाई है, डिव लगाओ, TRTD लगाओ, डिव लगा के एक बना लो डब्बा, इतना भी कोड नहीं लिखना पड़ेगा, डिव लगा के बना लो। या एक काम कर लो, गूगल पे जाए जाके टाइप कर लो कि भैया एक डब्बे का क्या कोड होता है, वो कोड उठाओ और यहाँ लगा लो। हम डिजाइनर तो हैं नहीं कि हम डिजाइन करेंगे बैठ के, हम तो कोड उठा के लगा लेंगे। मुझे तो बहुत ज्यादा, सही बताऊं तो मुझे भी नहीं आता है CSS HTML लगाना, वो लगाना, कुछ नहीं, बस डिजाइनिंग का कोड। और आगे चल के जब मैं आपको JSP पढ़ाऊंगा ना, तो JSP जैसे अभी क्या है, अभी आप सर्वलेट के अंदर HTML लिख रहे हो, और JSP क्या होती है वो, उसको .html से ही सेव कर सकते हो डायरेक्टली, समझ रहे हो ना? वो HTML ही होती है, JSP HTML के अंदर ही लिखी जा सकती है वो, और आपके काम को आसान कर देती है। इसीलिए मैंने इस वाली चीज को यहाँ समझा दिया, बट मैंने सोचा था जब JSP आपको बताऊंगा तो वहां पे आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, या उसके थ्रू जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ये जो डब्बा बनाया है, डब्बा बनाने के लिए कोड, तुमने ये कोड कैसे लिखा है, तुमने खुद बनाया कोड एक ही करके? हैं, हाँ सर, पहले HTML पेज में बना के खुद उसके बाद यहाँ प्रिंट की। बंद HTML पेज कहीं से बनाया? कर दे बैठ के आके। क्या जी सर, उसमें पहले टेबल ये सब वो क्रिएट चलती करके रही उसके बाद। उधर बैठ जा जाके? अमन, इसे भी बंद कर दे। अमन, अरे बोलो हेलो। भाई, हाँ सर। तुम थे नहीं क्या क्लास में? कहीं दूसरे कहीं चले गए थे? नहीं सर, वो कमरे में आ गया था कोई। हाँ अच्छा, सर। तो मैं ये कह रहा हूँ,
चलो ठीक है, तुम्हें ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कोड? हाँ सर, आ रहा है। तो सर सारा डाटा गेट करके एक टेबल में सेट कर दिया HTML के, और इसके प्रिंट, इसका प्रिंट मेथड के अंदर सर। बात देखो सिंपल से ये है कि जब कोई काम करा जाएगा तो काम आसान लगेगा, जब काम आदमी नहीं करेगा तो काम कठिन लगेगा, और जब काम एक बार कर लोगे तो चीजें समझ में आएंगी, नहीं करोगे तो चीजें दिक्कत होंगी। तो परवेश तुम्हें यही मेरा सजेशन है कि तुम अभी चीजों के टच में नहीं हो, तुम काम करने की कोशिश करोगे तो काम होगा। तुम अगर सुमित से लेना हेल्प ले लो, मेरे से लेना है ले लो, तुम एक बार एक प्रोडक्ट बनाओ, डेटाबेस में डेटा स्टोर करो और फिर उसको फेच करो, सिंपली फेच करो, फेच करके एक टेबल में ऐसे ही प्रिंट कराओ, फिर उसको फिर एक तुम्हें एक डिब्बा बनाओ अलग से, एक HTML के अंदर, जैसे सुमित ने बताया कि HTML के अंदर एक डिब बना लो, और डिब के अंदर ऐसे TR TD वगैरह बना लो, और फिर उसके बाद तुमने वो वाला काम किया क्या कि रोल नंबर डालते ही डिटेल फेच हो जाए, किया तुमने परवेज? हाँ सर, वो नहीं किया। है, परवेज की बात कर रहा हूं, वो वाला काम किया तुमने कि किसी हाँ रोल, सर, किसी भी यूजर का रोल नंबर हाँ डालो, सर, उसका सारा सब्जेक्ट डिटेल वगैरह सब आ जाए, वो वाला किया था काम? हाँ सर, हाँ सर, देखो तो वो वाला काम किया था तो उसी तरह से मिलता जुलता है काम, करने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है सर। तो सर बस मैंने कभी पढ़ा पढ़ा नहीं सर, उसीलिए मेरे को दिक्कत हो रहा है सर। पढ़ा रहा था अरे तो सर एक ही भाई बार। मैं कह रहा हूं तुमने कभी नहीं पढ़ा है तो हमने भी कहां कभी पढ़ा है, हमने भी नहीं पढ़ा है, हम भी पढ़ पढ़ के पढ़ाते ही हैं, समझे? हमें तुम्हें पढ़ाना है तो देख देख के पढ़ लेते हैं और पढ़ा देते हैं तुम्हें, ऐसे कौन सी बड़ी बात है? ठीक है सर, ठीक है सर। तुम जो है साइकिल चलाना पहले सीखा था? शुरू में बचपन से ही साइकिल चलाना थोड़ी ना सीख के आ गए होगे, या हमने कार चलाना आता है तुम्हें? बाइक चलानी आती है? बाइक तो तुम्हें चला ही लेते हो, तो सर बात ये नहीं था सर, तो ना 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 ना, आपने बात नहीं समझ रहे हो, बात क्या था, बात ये था, ये नहीं 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 डाटा नहीं बेस पढ़ाए, आपको नहीं पढ़ाए थे ना, तो हम अच्छा तो हल्का हल्का नेट से देख के पढ़े, तो वही इम्प्लीमेंट किए तो हो गया मेरा, तो सोचा। डेटाबेस, और हाँ आप ये बात सही कह रहे हो आप, डेटाबेस वगैरह आपको मैं पढ़ाऊंगा तो आपको फिर से बताऊंगा। तो ये आपकी मतलब आप लोग ही चाहते थे कि आप पढ़ लोगे, इसीलिए भाई देखो इस बैच में वही पढ़ रहा है जो कहता है कि सर मैं ना मैं दो दो सेशन कर सकता हूँ, तो मैं उससे कहता हूँ अगर आप दो सेशन कर सकते हो तो भैया आ जाओ पढ़ लो, बस यही है। और अगर नहीं कर सकते थे, अभी भी नहीं कर सकते तो यहीं पे छोड़ दो, अभी कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहीं पे एकदम खत्म करो। रीजन, हम एक सेशन करेंगे, अभी उधर चल जाएगा आपका AWT इवेंट खत्म हो जाएगा, फिर आप कलेक्शन स्टार्ट कर दूंगा, JDBC से स्टार्ट कर दूंगा, फिर से वहां सर्वलेट बताऊंगा, फिर कंसेप्ट समझाऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप भी चलोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलने में टाइम लग जाता है। रही बात JDBC की, जो JDBC कनेक्शन एक बार में बन जाता है, जब आप इंसर्ट क्वेरी चला सकते हो, आप जब फेच क्वेरी चला सकते हो, आप कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हो, तो बस डेटा को गेट करके डब्बे में प्रिंट कराना है, थोड़ा दिमाग लगा सकते हो। पता है इनिशिएटिव लेने वाली बात है, इंटरेस्ट की बात है। मैं क्यों कह रहा था साइकिल वाली बात, मैं इसलिए कह रहा था जैसे जैसे मान लो कि मेरे पड़ोसी की यहाँ बाइक आ गई या मेरा दोस्त ने बाइक ले लिया, तो क्या है कि मुझे इंटरेस्ट बन जाता है, नहीं पापा से मैं बोलूंगा मैं तो बाइक लूंगा, अब मुझे जरूरी भी है, और जरूरी भी नहीं होता तो 50 काम जुड़ा देते हैं कि भैया उसके बिना तो एकदम गाड़ी चल ही नहीं रही है ना, और फिर जब आ जाता है तो चलाना तो आदमी सीख ही जाता है। बस वही बात है कि इंटरेस्ट है ना, कितना इंटरेस्ट है। तो अभी भी मैं आपसे बोला, आप तो पिछले, आप खुद भी जानते होगे, पिछले 15 दिन से 10 दिन से आप पढ़ाई के टच में बिल्कुल एकदम नहीं रहे हो, तो आपको कोई भी चीज़ नया पढ़ोगे तो आपको थोड़ा ऑड लगेगा, या लगेगा यार मैं इसको प्रैक्टिस नहीं कर पाया या इसको नहीं कर पाया। स्पेशली जो वीकेंड के सेशन होते हैं ये सर्वलेट वाले, इसमें तो और होता है कि हम एक चीज़ पढ़ने के बाद 30 मतलब 1 हफ्ते बाद वो चीज़ पढ़ते हैं, अब डेली पढ़ते तो और भी अच्छा रहता है ना। अब वो आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा कि यार मैं इसीलिए रिमाइंडर डालता हूँ, प्लीज़ डू प्रैक्टिसिंग है ना, प्लीज़ आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। तो जब आपको सैटरडे क्लास होने वाली है तो फ्राइडे बैठ के हमने क्या क्या पढ़ा था वो रिवाइज कर लो, हमने क्या क्या टास्क आपको दिया था वो रिवाइज कर लो,
कम से कम वो टास्क थोड़ा सा भी अगर हो पाए तो वो आप मेरे पास लेके आ जाओ। हाँ सर देखो मैंने इतना कर लिया या इतना नहीं समझ में आ रहा, ये कंसेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा। अब जब आप मेरे से ये कहते हो कि ये तो सर एकदम नहीं समझ में आया या ये चीज़ मुझे ये कैसे होगा, तो मैं वही सोचता हूँ कि जो मैंने पढ़ाया था वो चीज़ें आप क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हो। अगर मैं कंसेप्ट समझा भी रहा हूँ तो उसको सुनो समझो। देखो मैं आपको जो डायरेक्शन दूंगा तो ऐसे फर्जी बात तो करूंगा नहीं, हवा में बात तो करूंगा नहीं, डायरेक्शन दूंगा रियल डायरेक्शन दूंगा, जेन्युइन बातें आपको समझाऊंगा कि भैया ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो। तो आप उसको करने की कोशिश करो, एक बार करो दो बार करो, फिर नहीं आ रहा है तो बिल्कुल बोलो कि सर एकदम सर हमने करने की कोशिश करी और नहीं आ रहा समझ में, कहाँ संभाल के रखूँ, कैसे क्या करूँ, कैसे मैं प्रोडक्ट को फेच कराऊँ। आपने वर्टिकल अभी किया है नहीं, आप बोल रहे हो कि ये डब्बा तो वर्टिकली आ रहा है जी, मुझे हॉरिजेंटली चाहिए, हॉरिजेंटली आ रहा है जी। अरे पहले एक को तो समझने की कोशिश कर लो, एक को कर लो इम्प्लीमेंट, फिर दूसरा भी हो जाएगा। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, किसी भी चीज़ में, ये इसका एग्जाम्पल नहीं है, किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल है, किसी भी चीज़ के लिए काम है कि उसमें इंटरेस्ट दिखा के उस पर बैठने की ज़रूरत है। और कोई भी बंदा एक बार मतलब कोई चीज़ नहीं करता है, मतलब पहली बार उसके लिए बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है जो पहली बार होता है, ठीक है, लेकिन मेहनत करेगा तो ज़रूर से आएगा, ऐसा थोड़ी ना है। अब ये थोड़ी ना रोना रोना है कि हमें कि भाई हम तो जी पहली बार सर्वलेट पढ़ रहे हैं इसलिए मुझे नहीं समझ में आ रहा है, या हम पहले पहली बार इसे डाटाबेस का नाम सुने हैं, पहली बार हम डेटा इंसर्ट, तो ठीक है कोई बात नहीं, पहली बार जिंदगी में बहुत कुछ होता है। पहली बार हम कार चलाना सीखते हैं, पहली बार बाइक चलाना सीखते हैं लेकिन बड़ा इंटरेस्ट होता है। पहली बार हमारी कोई गर्लफ्रेंड होती है तो उस केस में हमें बहुत अच्छा लगता है, हाँ हमारी कोई गर्लफ्रेंड हुई है, तो जितना आपको पहली बार तो बहुत कुछ होता है, समझ रहे हो ना। तो भाई उस चीज़ को समझो, और अगर फर्स्ट टाइम आपका लग रहा है कि ये फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो और यहाँ पे आपको बड़ा दिक्कत आ रहा है तो वो बात है इंटरेस्ट की, है ना। तो जितना इंटरेस्ट दिखाओगे उतना मजा आएगा यहाँ पे, तो ये कहना। हाँ ये कहो कि सर ये लाइन नहीं समझ में आ रहा है, ये कोड नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको 2 बार 3 बार 4 बार बताया जा सकता है, ठीक है। चलो भाई आगे चलो, है ना। तो ये टेबल और ये पूरा, ये जो ये पूरा डेटा है ना, ये फाइल, ये पूरा कॉपी करके या इस फाइल को ही या इस प्रोजेक्ट को ही उठा के शेयर कर देना है इसी में, ठीक है सुमित। ठीक है सर। और फिर इन्होंने क्या करा है, प्रिंट एलन के अंदर जो आरएस से आने वाले पैरामीटर्स हैं, आरएस डॉट गेट स्ट्रिंग 1 पोजीशन पे दे दिया, फिर 2 पोजीशन पे दे दिया, वहां पे उस पर्टिकुलर पोजीशन की वैल्यू को उठा के सेट कर दिया। तुमने कैसे किया ये काम है? तुमने कैसे कैसे ये किया था, ये खुद मतलब दिमाग लगा के किया था, कहीं से कॉपी पेस्ट मार दिया था, कैसे किया था? सर कई बार किया था, कई बार हुआ नहीं, फिर करता रहा। बहुत टाइम के बाद अपना फिर पता लगा कि यहाँ से ऐसे आर एस डॉट, मैंने पीछे पीछे वाले प्रोडक्ट जो बनाए थे पुराने, तो वो देखे कि इन्हें कैसे गेट करते हैं आर एस डॉट करके, ये सब उनमें देखा पीछे जाके, फिर पता चला ऐसे होते हैं। हो जाएगा इसमें, कोई ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो किसी भी, अब वेबसाइट पढ़ रहे हो, वेब रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ रहे हो, आप वेब रिलेटेड चीजें पढ़ रहे हो तो जो भी काम करोगे सारा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब काम इम्पॉसिबल है, सारा काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी म्यूट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ा दूं यार, आज मैं सर्वलेट को खत्म ही कर देता हूं ताकि मैं कल आपको जेएसपी स्टार्ट कर दूं आपके लिए, या मैं जेएसपी ही पढ़ा देता हूँ आज आपको, फिल्टर बाद में पढ़ा दूंगा, फिल्टर उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, जैसा आप बोलो। जेएसपी जेएसपी बार बार आता है, जेएसपी ही पढ़ लो आज, जेएसपी पढ़ा दूँ थोड़ा, हाँ सर। चलो जेएसपी पढ़ाता हूँ मैं आपको, इसके बाद का जो फिल्टर वाला टॉपिक है वो बाद में पढ़ा दूंगा, जेएसपी खत्म होगी तो फिल्टर पढ़ा दूंगा आपको। फिल्टर बिल्कुल सर्वलेट से हटके है। फिल्टर हाँ, बोलो। किसका विषय मतलब वो है, रिलेट करता है। फिल्टर मतलब सर्वलेट से ही रिलेटेड टॉपिक है, मतलब वो सर्वलेट में ही यूज होता है, बट उसको अगर अभी नहीं भी जानोगे तो कोई एकदम आसमान टूटने वाला नहीं है, एकदम आपको जीएसपी समझ में आएगी, उसका 1% यूज नहीं है। जीएसपी जैसे खत्म होगा याद दिला देना सर फिल्टर बता दो, फिल्टर बोला था आपने, ठीक है। तो चलो जीएसपी बता देते हैं आपको, लो स्टार्ट कर लेते हैं जीएसपी।
जेएसपी स्टैंड फॉर जावा सर्वर पेजेस, ठीक है। तो और वही काम जो अभी प्रोडक्ट फेच वेच करने वाला काम है ना, वो जेएसपी में, या अपना प्रोजेक्ट भी जेएसपी में बनाओगे आप, तो मतलब थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो हम डिस्कस करेंगे। जेएसपी स्टैंड फॉर जावा सर्वर पेजेस, ठीक है। ठीक है, इसके अच्छा सर्वलेट में पहली बार जब आपने प्रोजेक्ट बनाना सीखा था, सर्वलेट में पहली बार बिना आईडी से जब प्रोजेक्ट बनाया था आपने, तो आप एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बना रहे थे, अगर आपको याद हो तो। ऐसे राइट क्लिक करके, न्यू करके, फोल्डर बनाया, अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखा, जैसे माई फर्स्ट ऐप जो भी है। फिर उसके अंदर आपने एक फुल फोल्डर बनाया, फिर फोल्डर बनाया जिसका नाम रखा आपने वेब हाइफन INF, ठीक है। फिर फोल्डर बनाया किस नाम से होता है, क्लासेस CLASES। फिर फोल्डर एक बना देते हैं लिब नाम से, ठीक है। इसी के पैरेलल एक एक फाइल बना देते हैं जिसका नाम होता है क्या, web.xml फाइल। इसको सेव कर दिया और यहाँ पे लिख दिया हमने web.xml। ये XML फाइल बन जाती थी। और फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं, वही वेब ऐप ओपन, वेब ऐप क्लोज, ये सारा कोड तो लिखते हैं ना। एक मिनट, ठीक है। तो ये वेब ऐप मैंने यहाँ से, ये वेब ऐप ने ओपन किया, फिर हमने ये वेब ऐप को क्लोज कर दिया, ठीक है। ये बन गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारी हो गई वेब एप्लीकेशन। और अब हमें बनाना है सर्वलेट। तो परवेज मुझे बताओ कि सर्वलेट कैसे बनता है, क्या कहानी होती है, अब सर्वलेट कैसे बनाएंगे और क्या क्या करेंगे। भाई सर्वलेट एक क्लास बनाते थे हम, सर्वलेट क्लास बनना पड़ेगा सर, उसको सर्वलेट का URL पैटर्न और फिर सर्वलेट का उसका। यूआरएल पैटर्न बनाओ, उसकी एंट्री वेब डॉट एक्सएमएल में करो, यही सब ना। हाँ तो और सर्वलेट क्लास, सर्वलेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करो, कॉल बैक मेथड ओवरराइड करो, है ना, सारे मेथड लिखो, फलाना लिखो, कंपाइल करो। अगर सर्वलेट बनेगा तो कंपाइल भी तो करना पड़ेगा। अगर सर्वलेट का प्रोग्राम मान लो बनाते हो तो उसको कंपाइल भी तो करोगे यार। जैसे मान लो कि मैंने एक सर्वलेट फाइल बना हाँ दी सर, कंपाइल कर फाइल को उठा कर वहां पर रखो। क्लासेस में, हाँ बाइट कोड को उठा के क्लासेस में रखो, है ना। बिल्कुल सही बात है। तो ये सब तो बड़ा हेडक वाला काम है यार। और जेएसपी एकदम बिल्कुल आसान है, बिल्कुल। मतलब समझ लो कि सारा जो चीज है, सारा मतलब कह सकते हो कि मेहनत है, वो आपको बेसिक लेवल पे है, बिगनर लेवल पे है। अगर आप सपोज करो कि सर्वलेट को बहुत अच्छे से पढ़ लिए, तो जीएसपी समझना बहुत आसान है, वेरी सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। और अगर आपको एक जीएसपी का हेलो वर्ल्ड का, सॉरी सर्वलेट का हेलो वर्ल्ड का भी प्रोग्राम बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना लिया, अगर सर्वलेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लिया, सारे मेथड ओवरराइड कर लिए, फिर वो रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर लिखोगे, फिर प्रिंट राइटर लिखोगे, फिर प्रिंट एलएन आएगा, प्रिंट एलएन लगा के फिर उस पर कोड रिस्पॉन्स, मतलब समझ रहे हो ना। फिर कोड को कंपाइल करना है, क्लासेस फोल्डर में डालना है, फिर प्रोजेक्ट को कॉपी करके आपको उस लोकेशन पे तो डालना ही पड़ेगा जहां उसे चलाना है। मतलब बहुत सारा काम करना पड़ेगा ना। ठीक है यार, चलो मैं आपको जेएसपी के अंदर हेलो हेलो प्रोडक्ट दिखाता हूँ, हेलो पेज मतलब रन करके दिखाता हूँ। पता है ये इस वेब आईएनएफ के पैरेलल ऐसे गया, मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे टेक्स्ट फाइल में गया और एक जेएसपी फाइल बना दी। किस नाम से बनाना है बताओ, किसी भी नाम से बना लेते हैं। से मैंने यहाँ पे एक फाइल बना दी, इंडेक्स डॉट जेएसपी नाम से एक जेएसपी फाइल बना देते हैं, क्योंकि इंडेक्स नाम से बनाओगे तो सर्वर अपने आप उठा लेगा इसे, ठीक है। और आप इसमें हेलो जेएसपी लिखना चाहते हो, ओहो गड़बड़ हो गया ना, एक मिनट, ये गड़बड़ हो गया, टेक्स्ट फाइल हो गई ये, तो ये जेएसपी फाइल नहीं है। ये इसको फाइल में क्लिक करके, ये
यहाँ पे सेव एज में गया, मैं सेव एज में गया और यहाँ पे मैंने इंडेक्स डॉट जे एस पी से सेव कर दिया। और इसको डबल कोड में लिख देता हूँ, ठीक है। लो जी, ये बन गई जे एस पी फाइल। हेलो जे एस पी लिखना है ना आपको, हेलो जे एस पी, तो ठीक है, हेलो जे एस पी बनाना है आपको तो लिख लो। ऐसे भी लिख लोगे तब भी चल जाएगा, जे एस पी एकदम बिल्कुल आसान सी लैंग्वेज है, ऐसे भी चला देती है। ये लो खत्म। लो भैया खत्म हो गया। मतलब सर्वलेट में क्या करना पड़ता था, प्रोग्राम बनाओ, उसकी एंट्री वेब डॉट एक्सएमएल में करो, कंपाइल करो, क्लासेस में डालो। जेएसपी में ऐसा कुछ करना नहीं है। पहली बात तो जेएसपी फाइल, मैं जेएसपी की थ्योरी नहीं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। थ्योरी तो अभी बताऊंगा आपको, है ना, प्रैक्टिकल ये बता रहा हूँ कि जेएसपी फाइल बन चुकी है, देख लीजिए आपके सामने है। इसमें मैंने बस डायरेक्टली एचटीएमएल की कोडिंग कर दी, डायरेक्टली कोडिंग कर दी, एकदम जो भी एचटीएमएल की कोडिंग होती है सब इसमें डायरेक्टली कर दीजिए। अभी जावा की कोडिंग नहीं करी है। जावा की कोडिंग करना है तो कैसे करोगे वो भी बता देता हूँ। अगर आप एचटीएमएल की कोडिंग जेएसपी में करोगे तो सारा पॉसिबल है, सब कुछ, पूरा एचटीएमएल की कोडिंग यहाँ लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है? जो टीआर टीडी डब्बे वब्बे बनाए हो ना, वो पूरा आप यहाँ पे डाल सकते हो। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अगर मैं हेलो जेएसपी लिख रहा हूँ, दिस इज नॉट ए जावा कोड, दिस इज वॉट एचटीएमएल कोड, एचटीएमएल माना जाएगा, एचटीएमएल ट्रीट होगा। आपने कहा सर अगर जावा कोड लिखना है जेएसपी में तो आपको एक टैग यूज करना है। जेएसपी एक काइंड ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जहां पे आपको स्क्रिप्ट लिखना होता है। काइंड आपको टैग दिए गए हैं, टैग का यूज करना है। तो एक टैग होता है जिसको बोलते हैं स्क्रिप्टलेट टैग। वो कैसे लिखा जाता है मैं बता रहा हूँ, स्क्रिप्टलेट टैग ऐसे लिखा जाता है, स्क्रिप्टलेट टैग ऐसे लिखा जाता है, ये परसेंटेज का साइन लगा दिया जी, ये स्क्रिप्टलेट टैग होता है। ये ओपनिंग करा, क्लोजिंग करा, और इस टैग के अंदर आपको क्या लिखना है, हेलो जेएसपी जावा का कोड। तो जेएसपी के अंदर जावा का कोड ऐसे लिखा जाता है, और यहाँ गेट राइटर वेटर नहीं चलाना है, डायरेक्टली लिखना है आउट डॉट प्रिंट एलन, खत्म। और इसमें डबल कोड के अंदर लिख दो हेलो जेएसपी, ये हो गया जावा का कोड इनसाइड जेएसपी। लो आपने कहा ये तो बड़ा आसान है सर, बिल्कुल आसान है। आपने कहा ये आउट क्या है, व्हाट इज आउट? आउट एक इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है जेएसपी में। आउट किस टाइप का ऑब्जेक्ट है? ये प्रिंट राइटर टाइप का ऑब्जेक्ट है। मतलब आपको रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर नहीं चलाना है जिससे प्रिंट राइटर मिलेगा, नहीं, कुछ नहीं करना है। आपके पास अपने आप ऑब्जेक्ट है, आप आउट नाम के इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट पे डायरेक्टली प्रिंट एलन चलाइए जी, आपका डेटा प्रिंट होके आ जाएगा, है ना मजेदार चीज। और इसको रखते कहाँ जेएसपी को? जेएसपी को वेब वेब आईएनएफ के पैरेलल रखते हैं, ठीक है ना, वेब आईएनएफ के पैरेलल रखते हैं। इसको कंपाइल भी नहीं करना है जी, खत्म, ना कंपाइलेशन ना कुछ भी। यानी कि जावा का एक ऐसा चीज आप पढ़ रहे हो, बिल्कुल अद्भुत अद्भुत चीज पढ़ रहे हो एकदम, है ना। ये जावा का एक ऐसा कोडिंग आप कर रहे हो जहां पे आपने कोई क्लास नहीं बनाई, कोई मेन मेथड नहीं बनाया, कोई कंपाइलेशन की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। ये बिल्कुल जावा का एकदम वायलेशन हो गया सारा। मतलब ये सोच इमेजिन कर सकते हो, ये जावा का कोड है, आप ऐसे टैग लगा के कोडिंग कर रहे हो, और मैं विश्वास दिला रहा हूं आगे मैं कोई क्लास भी नहीं बनाने वाला हूं, ऐसे मैं टैग लगा के कोडिंग करूंगा। इसको बोलते हैं स्क्रिप्टलेट टैग। ऐसे आपको और भी टैग मिलेंगे, बहुत सारे टैग मिलेंगे, स्क्रिप्टलेट टैग, डिक्लरेशन टैग, क्या नाम है, कमेंट, स्क्रिप्टिंग एलिमेंट वगैरह वगैरह बहुत सारे मिलेंगे, डायरेक्टिव टैग, बहुत सारे टैग मिलेंगे, है ना मजेदार चीज। मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, आप लोगों को पता नहीं। हाँ परवेज, तो सर वो सर नहीं पढ़ने से भी होगा ना सर? क्या कह और रहे सर हो? जितना काम हम लोग वहां पर किए सर सर्वलेट में, हाँ उतना काम यहाँ पर भी हो जाता है ना सब कुछ हो जाता है, आपको अब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सर्वलेट को मारो गोली, खत्म, जितना पढ़ लिया उतना बहुत पढ़ लिया, ठीक है ना? नहीं और बताओ। अच्छा हाँ नहीं पढ़ना है, वो लिसनर भी इसी में आ जाता है। लिसनर के लिए आपको सर्वलेट पढ़ना पड़ेगा, फिल्टर के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह लिसनर ही यूज होता हो। और लिसनर से घबरा अच्छा क्यों रहे हो? इवेंट हैंडलिंग पढ़े हो तो लिसनर आ जाता है, इवेंट हैंडलिंग ठीक है पढ़े हो सर। तो लिसनर में क्या है, दो ही लाइन का तो कोड है, दो ही लाइन की चीज है,
सर। बस अब इसको क्या करो, यहां से कॉपी करो और देखो पहले कितना कठिन था, अब देखो कितना आसान है। कंपाइल भी नहीं करना है, मजेदार चीज है यार, क्या मैं बताऊं, मैं तो बयान नहीं कर सकता कितने मजेदार चीज है। बस मैं सर गया, सेशन वेशन नहीं बनाना पड़ता इसमें? अरे सब कुछ बन जाएगा, अपने आप हो जाएगा, सब अपने आप होगा, अभी देखते जाओ तुम, है ना। मैंने यहाँ पे क्या किया, अपाचे 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 के अंदर वेब ऐप, और वेब ऐप के अंदर इसको कर दिया पेस्ट जी, पेस्ट कर दिया। अब ये माई फर्स्ट ऐप है, याद रहना चाहिए, ठीक है। और इसे बैक करा मैं, इसको अच्छा अलग से क्यों चला रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि इसको अलग से भी चलाया जा सकता है। और यहाँ से मैंने स्टार्ट 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 स्टार्टअप कर दिया सर्वर को, लीजिए जी सर्वर स्टार्टअप हो गया। और बस आपको ये लीजिए, अब आपको यहाँ से लिखिए लोकल होस्ट HTTP, जो भी कहानी खिंचता है, लिखने के बाद यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन का नाम, लो हेलो JSP रन हो गया, खत्म। ये तो भैया इस तरह से मैंने आपको चलाना सिखा दिया, इसको बंद करता हूँ, ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया, इसको डिलीट मारो, कौन यहाँ जा रहा है काम करने, हमें तो नहीं करना है, हम तो ऐसे ही फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट बना लेंगे, डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट बनाएंगे, वही थीम जैसे डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट बनाते थे, JSP प्रोजेक्ट। और ये रहने दिया, ये 2.3 ले लिया, नेक्स्ट कर लिया, नेक्स्ट कर लिया, बस बन गया JSP का प्रोजेक्ट। JSP फाइल बनाना है, वेब कंटेंट पे राइट क्लिक किया, न्यू करके JSP फाइल बना दी, किस नाम से बना दी जी, इंडेक्स नाम से बना दिया, क्यों, क्योंकि इंडेक्स नाम से सर्वर उठा लेता है फाइल। बस ठीक है, अब आप अगर देखो तो JSP फाइल लिखा तो आया JSP, लेकिन है पूरा HTML, है ना, कहीं देखो ना, हेड HTML TR TD खुद ही लिख के आ रहा है, ठीक है। मतलब JSP फाइल में डायरेक्टली HTML लिखा जा सकता है, और जहां जरूरत पड़े जावा कोड की, वहीं पे कौन सा टैग लगा दो, बस स्क्रिप्टलेट टैग लगा दो, ये याद रखना चाहिए आपको, एकदम रट्टा मार लो, स्क्रिप्टलेट टैग। आपकी स्क्रीन तो क्या आ रही है, स्क्रीन नहीं दिख रही है, रुक भैया तेल पानी इसे भी तो चाहिए, अब 3 घंटे से पढ़ रहे हो तो इसको तो तेल पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? थोड़ा बहुत डाल दे, बैठो डाल दे थोड़ा जब बहुत। जब स्क्रीन नहीं सर दिख रही एक तो बात मुझे सर, समझ, वो आज जब मेरा स्क्रीन दोस्त नहीं है दिख रही इसमें। है तो इसका मतलब यही समझ में आ गया थी, अब तुम सोच रहे होगे कि अब कब खत्म हो जाए क्लास, ऐसा तो नहीं ना? नहीं, सर ऐसे कुछ नहीं है, हाँ, बस क्या कह रहे हो जो परवेज, क्या उल्टा कह रहे पड़ा हो? 3 घंटा पड़ा। सर मेरा मोबाइल में स्क्रीन दौड़ता है पर लैपटॉप में रुकता है, क्यों सर? वो लाइट वेट है ना, थोड़ा एप्लीकेशन थोड़ी लाइट वेट होती है, और ये एक्चुअली स्काइप में क्या है ना कि ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है ना, तो ये डेटा राउट होके आता है, तो राउट होके आता है तो यार टाइम ज़्यादा लग ही जाता है, राउटिंग वोटिंग होती है ना, जो नेटवर्किंग वाले लोग होंगे वो ज़्यादा बता पाएंगे, बट आप लोग ऐप में यूज करा करो, सही है, ऐप में यूज करा करो अगर ऐप अच्छा है। ठीक है, अभी दिख रहा है, मैंने दोबारा शेयर कर दिया, ठीक है, दिख रहा है? हाँ हाँ सर, सर, तो बस स्क्रिप्टलेट टैग लगाया यार, स्क्रिप्टलेट टैग लगा के अब बताओ करना क्या है, जो कहोगे वो करके ब्लैक दिखाऊंगा, अब आप जो कहोगे वो करके दिखाऊंगा, ये देखो न्यू करा, यहां से मैंने बनाया ब्लैक जी HTML फाइल, HTML फाइल का नाम दे दिया इंडेक्स डॉट हेलो। HTML, हाँ सर, कौन बोल रहा है भाई? भूल जाते हो क्या, म्यूट किया नहीं किया है? पढ़ लो, बातचीत ना करो, बात करोगे तो फिर पूछोगे ये क्या होता है, और इसी बात के लिए मुझे गुस्सा आती है फिर कि भाई ये क्या होता है, पूरा रामायण खत्म हो जाए, पूछा सीता जी किसकी पत्नी थी, हैं? तो ये देखो, अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर मेरे पास इंडेक्स डॉट HTML भी है और इंडेक्स डॉट JSP भी है,
तो कौन सा पहले चलेगा? तो HTML को प्रेफरेंस मिलता है, JSP को नहीं। लेकिन वेलकम फाइल लिस्ट में एंट्री जिसकी कर दोगे वो पहले चलने लगेगा, ये भी बात है। ठीक है, देखो HTML चला। तो पहले आपको सब मैं दिखाता हूँ तो आपको मजा आएगा। ये लॉगिन लॉगिन डेमो का HTML था ना, इंडेक्स HTML, रजिस्टर HTML था ना। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इन दोनों को कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ। बुरा नहीं मारोगे ना? ये लीजिए, मैंने बुरा बुरा मान भी जाओगे तो कोई बात नहीं, मैंने ये कॉपी पेस्ट कर दिया। मतलब मैंने डिजाइनिंग फिर से कौन बनाने जा रहा है यार? HTML की कोडिंग कौन कर रहा है फालतू का? हैं, राइट क्लिक किया। अब आप करते रहो, आपको खूब करना है कोडिंग, जितने मर्जी उतने बार कोडिंग करो। ये लीजिए, ये देखिए लॉगिन पेज, ये रजिस्टर पेज आ गया। अब रजिस्टर पेज से मुझे डेटा गेट करना है इस JSP में, करना है ना। तो मैं रजिस्टर डॉट HTML पे पहले क्या देता था, यहाँ पे URL पैटर्न में यहाँ क्या देते थे, क्या देते थे परवेज, यहाँ पे क्या देते रजिस्टर सर्वलेट सर्वलेट थे यार? ये बोलो कि सर्वलेट का URL पैटर्न हम देते थे, वो मुझे भी दिख रहा है रजिस्टर सर्वलेट। सर्वलेट तो यहाँ पे लिखोगे, JSP का URL पैटर्न index.JSP, ठीक है ना। ये मैंने दे दिया JSP, JSP इंडेक्स की जगह पे इसका नाम रजिस्टर डॉट JSP लिखना चाहते हो तो रिफैक्टर में रीनेम कर लो और इसका नाम सर RE GSP फाइल एक ही होना चाहिए। JSP फाइल एक क्यों होना चाहिए? अनेक हो जाए, 10 हो जाए, 20 हो जाए, 40 हो जाए, 400 हो जाए, कौन मना कर रहा है? 400 बना लो, ठीक है। रजिस्टर्ड और JSP बना दिया जी, देखिए कोई दिक्कत तो नहीं ना है। और फॉर्म के एक्शन में नहीं क्या दे सर दिया? फॉर्म के एक्शन में दे दिया हमने रजिस्टर्ड और JSP, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ जी अब जब हम फॉर्म पे सबमिट करेंगे तो रिक्वेस्ट कहाँ सर जाएगी? दिख रहा फॉर्म पे सबमिट करेंगे तो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी? है JSP में JSP में जाएगी, देख लो जरा, इसको चला के दिखा देता हूँ मैं आपको। JSP में रिक्वेस्ट जाएगी, गया नहीं गया पता कैसे चलेगा? बस यहाँ से रिफ्रेश कर दो और यहाँ डेटा भर दीजिए कुछ भी। यार ये लीजिए, पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए JSP पे? पहुंच गए ना। आपने कहा सर सर सर्वलेट में अगर डेटा स्टोर करना होता था तो क्या करते थे? लिखते थे हम रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। भाई क्या नाम है, अमन, ये बात बताओ, मैं मान लो कि ये चाहता हूं कि भाई यहां पे डेटा मैं इंटर करूं, ठीक है? अमन सुनना ध्यान से, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे डेटा एंटर करूँ और मैं चाहता हूँ ये डेटा डेटाबेस में स्टोर हो जाए, तो मुझे कैसे डेटा डेटाबेस में स्टोर कर सकता हूँ, बताना जरा कैसे कर सकता हूँ? सर कनेक्शन बनाना सर, पहले तो इस डाटा को गेट ही करना पड़ेगा तो इस डेटा को गेट कैसे करते थे सर्वलेट में, कौन से मेथड से? सर। वो रिक्वेस्ट होता था क्लाइंट से, जो रिक्वेस्ट आती थी HTTP मेथड सर्वलेट का नाम रिक्वेस्ट बताइए अमित, मेथड का नाम बताइए जिससे डेटा गेट करते थे हम सर्वलेट में। सर, गेट गेट पैरामीटर पैरामीटर और गेट पैरामीटर किस पे कॉल होता था सुमित? रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट पे तो रिक्वेस्ट पे कॉल होता था ना, और वो सर्वलेट में करते थे ना, और सर्वलेट में तो सर्विस मेथड बनाते थे ना। यार सर। तुम्हें जान के आश्चर्य होगा कि यहाँ पे बस हमें लिखना है रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, खत्म बाकी खत्म झंझट भाई, डायरेक्ट सर ये यो लिखना है। इम्प्लिसिट दे दिया उन्होंने सर, यहाँ सर इनको सर्वलेट में कोई काम ही नहीं है सर। क्या काम है? लेकिन सर्वलेट का काम है। हेलो 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 हाँ क्या कह रहे हो कुलदीप? सर, स्क्रीन है सर, दिख रही बिल्कुल भी तुम्हें नहीं दिख रही है तो क्या करा जाए बताओ, तुम्हारा तुम्हारा नेट ही खराब सर। है। नेट नेट खत्म हो गया होगा सर इनका।
हाँ इसका नेट खत्म हो गया होगा, सही कह रहे हो। कुछ भी बल्ले बढ़ाया सर, डेटा मैं था बहुत बता सारा, रहा इसमें अभी दो था ही बड़ा डेटा था यार।